Good morning, my dear students. Welcome to the virtual class of English. We do always face any problem comes in your way with courage. And for this courage and support, we need to seek blessings of God. So let us all recite the prayer. So join your hands and let us seek the blessings of Almighty. Shakti hame deena data man ka vishwas kamzor hona hum chale children. In lesson number 7, in the last video, Tale of Mrs. Tittlemouse, we read that Mrs. Tittlemouse was a neat and tidy mouse who used to keep her house neat and clean. But Mr. Jackson, the toad and the bumblebees, they entered her house and made the whole house dirty. Now let's see what happens next. So Mrs. Tittlemouse saw Mr. Jackson, the toad, with his muddy feet resting on Mrs. Tittlemouse's nice clean fireplace. So Mrs. Tittlemouse ने देखा क्योंकि पार्लर में जो मिस्टर जैक्सन है वो अपने गंदे पाँव लेकर मिसेस टिटलमाउस के साफ सुथरे फायरप्लेस बैठे हैं. एंड बेटा फायरप्लेस क्या होती है बेटा, जहाँ बहुत ठंड होती है लोग वहाँ लकड़ियाँ जलाते हैं ताकि आसपास थोड़ा गर्म रह सके. उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होती है और जिसके ऊपर चिमनी होती है एंड दैट इज़ नोन एज फायर प्लेस. हाउ डू यू डू मिस्टर जैक्सन, सेड मिसेस टिटलमाउस पोलाइटली. डियर मी, हाउ वेरी वेट यू आर. तो मिसेस टिटलमाउस ने, उनको बुरा तो लग रहा था क्योंकि मिस्टर जैक्सन के सारे कपड़ों से गीला पानी निकल रहा था और वह गंदे पाँव वहाँ के लेकर आए थे. तो लेकिन फिर भी उन्होंने पोलाइटली बड़े प्यार से पूछा कि हाउ डू यू डू मिस्टर जैक्सन, आप कैसे हैं मिस्टर जैक्सन. एंड डियर मी, आप बहुत गीले हो गए हैं, यू आर वेरी वेट. एंड इनडीड ही वाज, वाटर ड्रिप्ड ऑफ मिस्टर जैक्सन मेकिंग लार्ज वेट पडल्स ऑन पुअर मिसेस टिटलमाउस स्पॉटलेसली क्लीन फ्लोर. और इनडीड यानी वाकई में वो बहुत गीले थे, उनके कपड़ों से पानी गिर रहा था, वाटर ड्रिप्ड ऑफ. जैसे हम कोई चीज़ गीली कर लेते हैं और उसको सुखाते नहीं है तो क्या होता है बेटा, पानी गिरता रहता है, इन ड्रॉप्स. इन द सेम वे मिस्टर जैक्सन के जो क्लोथ से उनसे पानी ड्रिप ऑफ हो रहा था यानी गिर रहा था, जिससे कि बड़े बड़े पडल्स. पडल्स क्या होते हैं बेटा, वैसे तो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनमें रेन वाटर फिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पडल्स क्या है, स्टैंडिंग वाटर ऑन द फ्लोर. बेटा वाटर अगर ग्राउंड का लेवल लोअर साइड नहीं होता है तो पानी वहीं खड़ा हो जाता है. और पुअर मिसेस टिटलमाउस स्पॉटलेसली क्लीन फ्लोर, और वो पानी कहाँ खड़ा हो रहा था, मिसेस टिटलमाउस के एकदम से क्लीन फ्लोर के ऊपर वो पानी खड़ा हो गया था, विच वॉज मेकिंग द होल एरिया वेरी वेट एंड डर्टी.
So here beta, water. You cannot count water. So water an uncountable noun. And puddles. Puddles you can count. So that is a countable noun. Thank you. Thank you. Thank you, Mrs. Tittlemouse. I will sit here for a while and dry myself, said Mr. Jackson. तो मिस्टर जैक्सन ने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिसेस टिटलमाउस थैंक यू आप मेरी इतनी परवाह करें. देखिए बेटा फ्लोर पर देखिए पिक्चर में देर आर पडल्स पानी देखिए कैसे वहाँ से ड्रिप हो रहा है कोट पर से एंड वो वहाँ पर दैट इज़ मेकिंग पडल्स. तो वो उन्होंने कहा मिस्टर जैक्सन ने कि मैं अभी यहाँ पर बैठूँगा फायर प्लेस पर और अपने आप को ड्राई यानी सूखा करूँगा यानी अपने कपड़े सुखाऊंगा अपना जो मेरा बॉडी गीला हो गया उसको सुखाऊंगा. ही सैट एंड स्माइल्ड व्हाइल द वाटर ड्रिप्ड ऑफ हिज कोट टेल्स. तो वो वहाँ पर बैठे रहे स्माइल करते रहे उनको थोड़ा पता चल रहा था कि दैट ही इज़ मेकिंग द प्लेस डर्टी. ये तो मिसेस टिटलमाउस को बुरा लग रहा था और उनकी जो कोट की टेल्स टेल्स क्या होते हैं बेटा किनारे जो कोट के किनारे थे वहाँ से वाटर ड्रिप ऑफ होकर नीचे गिर रहा था. Mrs. Tittlemouse went around with a mop, wiping up the mess that he had made on the floor. और Mrs. Tittlemouse mop लेकर mop क्या होता है कपड़ा पोछा लेकर और वहाँ पर wiping up सारा clean कर रही थी सारा पानी सुखा रही थी जिसके कारण पूरा floor गंदा हो गया था. He sat for such a long time that Mrs. Tittlemouse finally felt that it was polite to ask him if he would eat सम डिनर. तो अब मिसेस वो इतनी देर तक वहाँ फायर प्लेस पर बैठे रहे कि अल्टीमेटली मिसेस टिटलमाउस को पूछना पड़ा. उनको लगा कि दिस इज कर्टसी डिमांड कि हम उनको पूछें कि अगर वो डिनर करना चाहते हैं. सो बेटा हियर मॉप मॉप इज अ काउंटेबल नाउन. अब आपके घर भी बेटा गेस्ट आते हैं तो यू ऑफर समथिंग टू ईट इजंट इट एंड दिस इज द राइट थिंग ऑल्सो कि आपके गेस्ट आते हैं तो वी शुड ऑफर देम समथिंग. So same Mrs. Tittlemouse did. First she offered him cherry stones. सबसे पहले उन्होंने Mr. Jackson को cherry stones offer किए. Thank you Mrs. Tittlemouse. No teeth, no teeth, no teeth, said Mr. Jackson. तो उन्होंने जब उनको offer किया तो Mr. Jackson ने बोला thank you Mrs. Tittlemouse. थैंक यू कि आपने मुझे खाना ऑफर किया लेकिन मेरी टीथ नहीं है आई डोंट हैव एनी टीथ. तो बेटा टीथ हमें क्या हेल्प करते हैं हमें स्ट्रॉन्ग चीज़ों को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. तो अगर आपके टीथ नहीं होते तो यू कांट ईट हार्ड थिंग्स. और चेरी स्टोन चेरी के जो स्टोन्स होते हैं जो अंदर के बीज होते हैं वो तो बहुत हार्ड होते हैं. तो कहते हैं मेरे तो दांत ही नहीं है तो आई वोंट बी एबल टू ईट दीज चेरी स्टोन्स. ही ओपनड हिज एनॉर्मस माउथ white to show her that there was not a single tooth in his mouth. तो उन्होंने क्या किया अपना enormous enormous यानी बहुत बड़ा mouth wide open यानी एकदम पूरा खोल दिया उनको दिखाने के लिए कि उनके मुँह में कोई भी single tooth नहीं है. बेटा tooth is singular and teeth is plural. Then she offered him cotton seeds. Tiddly widdly widdly puff 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 said Mr. Jackson, blowing seeds all over the tidy little parlor so that it looked like winter had come indoors. तभी उन्होंने उनको cotton seeds offer किए. Cotton seeds क्या होते हैं बेटा जो cotton plant होता है उसके ऊपर जो फूल आता है cotton का उसके अंदर seeds होते हैं ठीक है. तो वो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी cotton लगी होती है right. तो अब उन्होंने क्या किया वो cotton के seeds दिए खाने के लिए तो उन्होंने क्या किया उसको फूंक मार के सारे उड़ा दिए और उन्होंने बोला टिडली विडली पफ 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 और ऐसे बोला और इतनी देर में वो सारे सीड्स क्योंकि वो हल्के होते हैं बहुत ज़्यादा और उसके ऊपर कॉटन भी लगी होती है तो वो सारे उड़ गए. और ऐसा लगा जैसे उस पार्लर में यानी उस गेस्ट रूम में बहुत सारी विंटर यानी स्नोफॉल आ गए वहाँ पर कम घर के अंदर जो है उस छोटे से प्यारे से लिटिल पार्लर में जो नीट एंड क्लीन था जिसको अभी मिसेस टिटलमाउस ने दोबारा क्लीन किया था वहाँ पर स्नो विंटर आ गई. थैंक यू नो थैंक यू मिसेस टिटलमाउस. व्हाट आई रियली रियली वुड लाइक वुड बी अ लिटिल डिश ऑफ
हनी। तो उन्होंने कहा, मिसेस टिटल माउस थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मुझे एक डिश ऑफ हनी चाहिए। अगर आप मुझे कुछ खिलाना ही चाहती हैं तो आई वॉन्ट अ डिश ऑफ हनी, यानी एक डिश में मुझे थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा हनी चाहिए, विच विल मेक मी मोर सेटिस्फाइंग देन ऑल दीज थिंग्स। आई एम अफ्रेड आई डू नॉट हैव एनी हनी मिस्टर जैक्सन, सेड मिसेस टिटल माउस। अब बेटे ठीक है, गेस्ट कई बार कुछ कहते हैं, लेकिन पर ये ज़रूरी नहीं है कि होस्ट के पास हर समय वो चीज़ अवेलेबल हो। तो मिस्टर टिटल माउस ने कहा कि आई एम सॉरी मिस्टर जैक्सन, मेरे पास हनी अवेलेबल नहीं है। टिडली विडली विडली मिस्टर टिटल माउस, आई कैन स्मेल हनी। तो उन्होंने कहा, अपनी लैंग्वेज में बोला टिडली विडली विडली मिस्टर टिटल माउस कि मुझे तो लेकिन हनी की स्मेल आ रही है, तभी मैंने आपसे हनी की डिमांड की है। बेटा कई बार ऐसा होता है, आप कहीं पर जाते हैं और आपको तेज़ खुशबू आती है खाने की, तो आप स्मेल से कई बार पहचान लेते हैं कि वो क्या खाना बनाए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और मम्मा ने राजमा राइस बनाया, वाओ व्हाट अ स्वीट स्मेल इजंट इट, या मम्मा कुछ और बनाते हैं तो तुरंत आपको खुशबू से पता चल, हाँ मम्मा आज आपने ये बनाया है। तो सेम वे मिस्टर जैक्सन को भी खुशबू आ गई, आई कैन स्मेल हनी। एक्चुअली मिस्टर जैक्सन को वो खुशबू कहाँ से आ रही थी, इट वॉज कमिंग फ्रॉम दोज बबल बी। फर्स्ट ही स्क्वीज्ड इनटू द पैंट्री, तो पहले वो स्क्वीज करके अपने आप को छोटा करके अपने आप को पैंट्री में लेकर, पैंट्री इज अ प्लेस वेयर फूड थिंग्स आर केप्ट। तो उन्होंने, क्योंकि वो तो मिसेस माउस के टिटल माउस के हिसाब से घर बना हुआ था, तो उनके छोटे छोटे दरवाजे थे। अब मिस्टर जैक्सन की बॉडी बड़ी थी, ही वॉज अ टॉड, तो उनका बॉडी बड़ा था, तो वो अपने आप को स्क्वीज भींच कर बेटा उस पैंट्री के अंदर लेकर गए। टिडली विडली विडली नो हनी मिसेस टिटल माउस। उन्होंने कहा, अरे टिटल माउस आपके घर में कोई हनी नहीं है, हनी नहीं है आपके घर में, फिर मुझे स्मेल कैसे आ रही है। देयर वर थ्री क्रीपी क्रॉलीज हाइडिंग इन द प्लेट रैक, तो जहाँ पर प्लेट रख रहे हैं उस रैक में, वहाँ थ्री क्रीपी क्रॉलीज छुपे हुए थे। क्रीपी क्रॉलीज यानी स्मॉल इंसेक्ट्स जो क्रीप करते हैं, यानी रेंग के चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ वो छुपे हुए थे, जैसे ही मिस्टर जैक्सन ने वहाँ झांका तो वो एकदम से भाग गए। टू ऑफ देम गॉट अवे बट ही कॉट द लिटलेस्ट वन, तो दो तो उनमें से भाग गए थ्री क्रीपी क्रॉली से, लेकिन जो लिटिल वन था, जो सबसे छोटा था, उसको मिस्टर जैक्सन ने पकड़ लिया। देन ही स्क्वीज्ड इनटू द लार्डर वेयर दे सॉ मिस बटरफ्लाई सिटिंग ऑन द शुगर बोल टेस्टिंग द शुगर, बट शी फ्लू आउट ऑफ द विंडो एज सून एज दे केम इन। तभी उन्होंने अपने आप को स्क्वीज करके, अपने आप को भींच कर लार्डर अनदर रूम टू कीप द फूड ग्रेन्स एंड फूड आइटम्स, वो वहाँ गए, तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, मिस बटरफ्लाई वहाँ पर शुगर बोल पर बैठी हैं और वो शुगर टेस्ट कर रही हैं। बट जैसे ही उन्होंने देखा कि मिसेस टिटल माउस एंड मिस्टर जैक्सन आर कमिंग इन, शी फ्लू अवे फ्रॉम द विंडो, वो खिड़की के रास्ते जल्दी से उड़कर बाहर चली गई कि कहीं कोई उन्हें ना पकड़ ले। राइट नाउ चिल्ड्रेन, हेयर शुगर कैन नॉट बी काउंटेड, सो शुगर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। टिडली विडली विडली मिसेस टिटल माउस, यू सीम टू हैव प्लेंटी ऑफ विजिटर्स। तो अब मिस्टर जैक्सन ने कहा, अरे मिसेस टिटल माउस आपके यहाँ तो बहुत सारे विजिटर्स हैं, थ्री क्रीपी क्रॉलीज हैं और वन बटरफ्लाई हैं, कितने लोग आपके घर में आए हुए हैं। एंड विदाउट एनी इन्विटेशन सेड द मोस्ट अनॉयड मिसेस टिटल माउस। अनॉयड का मतलब क्या होता है बेटा, गुस्से में, बहुत गुस्से में। तो उन्होंने, मिसेस टिटल माउस ने जवाब दिया इस बात के लिए, बहुत गुस्से में थी वो, और उन्होंने कहा विदाउट एन इन्विटेशन, मैंने नहीं बुलाया इनको, कोई इन्विटेशन नहीं दिया मैंने इनको अपने घर में आने के लिए, पता नहीं ये क्यों मेरे घर में आ जाते हैं। मिस्टर जैक्सन स्क्वीज्ड हिमसेल्फ अलोंग द नैरो पैसेज डाउन टूवर्ड्स द स्टोर रूम्स एंड सेलर्स विद पुअर मिसेस टिटल माउस हरिंग क्लोज बिहाइंड।
तो मिस्टर जैक्सन अपने आप को स्क्वीज करके, अपने आप को भींच कर वहाँ तुरंत नैरो पैसेजेस यानी छोटे छोटे रस्तों में से और स्टोर रूम और सेलर्स की तरफ जाने लगे और मिसेस टर्टल माउस जल्दी जल्दी उनके पीछे चलने लगी कि पता नहीं वो क्या गिरा दें, क्योंकि रास्ता छोटा है और जो वो मिस्टर जैक्सन है उनकी बॉडी बड़ी है, न जाने कितना गंदा कर दें, कितना गिरा दें। तो वो उनके पीछे पीछे जा रही थी ताकि वो गंदा होने से घर को बचा सके। टिडली विडली बज विज विज, और मिस्टर जैक्सन अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे टिडली विडली, एंड तभी उनको आवाज़ सुनाई दी किसकी, बीज की। तो बीज वर बजिंग आउट ओवर देयर, बज विज विज। मिस्टर जैक्सन बम्प्ड इनटू बेबिटी अराउंड अ कॉर्नर एंड स्नैप्ड हर अप एट वंस बट स्पैट हर आउट अगेन इन अ हरी। तो मिस्टर जैक्सन ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी बजिंग ऑफ द बीज, तो उन्होंने एकदम से बेबी टी बी के ऊपर एकदम से हमला कर दिया और उसको पकड़ने की कोशिश की। तो और जल्दी जल्दी उन्होंने उसको पकड़ना चाहा क्योंकि बीज तो एकदम से उड़ जाती हैं, वो काबू में नहीं आती हैं। तो ही ट्राइड वेरी हार्ड टू कैच होल्ड ऑफ हर। आई डू नॉट लाइक बबल बीज, दे आर मच टू हेयरी, ग्रम्बल्ड मिस्टर जैक्सन वाइपिंग हिज माउथ विथ हिज कोट स्लीव। तो मिस्टर जैक्सन को भी गुस्सा आ गया जब बम्बल बी ने उनको स्टिंग कर लिया, काट लिया। तो उन्होंने कहा मुझे बम्बल बीज बिल्कुल पसंद नहीं है, दे आर टू हेयरी, इनमें बहुत सारे हेयर होते हैं। बैबिटी शुक विद रेज फ्रॉम बींग ऑलमोस्ट ईटन एंड स्पैट आउट इन अ मैटर ऑफ मोमेंट्स वाइल मिस्टर जैक्सन बिगैन टू वाइप हिज टंग विथ मिसेस टिटल माउस डिश क्लोथ। तो बेबिटी शुक विथ रेज, तो बेबिटी बी जो थी वो बहुत रेज यानी गुस्से में आ गए क्योंकि वो ऑलमोस्ट ईटन यानी उनको मिस्टर जैक्सन ऑलमोस्ट खाने वाले थे। एंड स्पैट आउट, स्पैट आउट यानी डंक मारना, स्पैट मतलब क्या होता है, टू इंजेक्ट समथिंग, किसी के अंदर कुछ इंजेक्ट करना एकदम से, तो दैट इज़, और उसको उनको डंक मार दिया विद इन अ मोमेंट एकदम से। और जबकि मिस्टर जैक्सन जो थे अपनी टंग को क्लीन कर रहे थे, किससे, मिसेस टर्टल माउस के डिश क्लॉथ से। वो ये बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि हाँ मिसेस टर्टल माउस का घर है तो मैं ऐसे उनका क्लॉथ नहीं यूज़ करूँ, कुछ भी नहीं। ही जस्ट हैड वॉट एवर ही गॉट फ्रॉम देयर। गो अवे, गेट आउट यू नेस्टी ओल्ड डॉग, स्क्रीम्ड बैबिटी बम्बल। तो बैबिटी बम्बल बहुत गुस्से में थी क्योंकि उस मिस्टर जैक्सन उनको खाने वाले थे, तो उन्होंने कहा गो अवे, जाओ यहाँ से, गेट आउट, बाहर निकल जाओ, यू नेस्टी ओल्ड टॉड टॉड यानी तुम गंदे बूढ़े टॉड। तो और जोर से चिल्लाई, टिडली विडली विडली क्रोक्ड मिस्टर जैक्सन। बेटा हर एनिमल की एक साउंड होती है और क्रोकिंग साउंड जो होती है वो फ्रॉग्स और टोड्स की होती है। तो और जोर से क्रा, मिस्टर जैक्सन भी जोर से बोले टिडली विडली विडली। आई शेल गो मैड, येल्ड मिसेस टर्टल माउस स्कर्रिंग अवे टू लॉक हरसेल्फ इन द नट सेलर। अब ये सब देखकर, इतना अपना घर गंदा देखकर और ये सब लड़ाई झगड़ा देखकर मिसेस टर्टल माउस जो थी वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने कहा मैं पागल हो जाऊंगी ये सब देखकर, और अपने आप को उन्होंने नट सेल उस रूम में लॉक कर लिया जहाँ पर वो नट्स रखती थी। सो हेयर बेटा, डॉट इज अ कॉमन नाउन एंड कैन बी काउंटेबल, सो इट इज़ अ काउंटेबल नाउन। व्हाइल मिसेस टर्टल माउस वॉज लॉक्ड अवे, मिस्टर जैक्सन who seemed unaffected by bee stings, pulled apart the moss and broke up the beehive in his hunt. तो मिस्टर जैक्सन जो थे उन्होंने देखा नहीं कि, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मिसेस टर्टल माउस ने अपने आप को लॉक कर लिया है, और उनको उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि बी उनको स्टिंग कर रही थी, कि बी स्टिंग उनको डंक मार रही थी। उन्होंने क्या किया, जितना भी उस सेलर के अंदर जो मॉस था यानी जो ड्राई ग्रास उगाया था उस सब को तोड़ दिया और बी हाइव को भी ब्रेक कर दिया। हंट करने में, क्या हंट कर रही थी, ही वॉज हंटिंग फॉर हनी। सो बेटा हेयर बी हाइव इज अ काउंटेबल नाउन। चिल्ड्रेन, हंट ऑलवेज डजंट मीन टू किल समवन, हंट मीन्स कुछ ढूंढना भी होता है, राइट। सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।
So children, let us learn some new vocabulary words. Today we are going to learn some new words starting with letter K. The first word is kind. K-I-N-D, kind means dayalu. The second word is kitchen. K-I-T-C-H-E-N, a place where food is cooked. The third word is K-E-E-P, keep, yani rakhna. The fourth word is K-I-T-T-E-N, kitten, the young one of a cat. The last word is knee, K-N-E-E, beta yahan par K silent hai. Knee is the joint in our body which helps to move our leg. So beta, you will write these words in your English notebook. Children, your homework is that you will read lesson number 7 of reader book and write vocabulary words in your English notebook. So children, stay home, stay healthy, and always keep learning. Bye.